हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम वीनेट पियरिंग के ट्रांजिट गेटवे के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसे डिप्लॉय करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रांजिट गेटवे क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट techlearning.spy.com से, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। यहाँ पे AWS एंड Azure के डिफरेंट कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हैं। कोर्स के कंटेंट्स को चेक करने के लिए आप कोर्स पे क्लिक कर लीजिए, देन क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड में कोर्स के कंटेंट यहाँ पे लिस्टेड हैं। इसके अलावा आप पैकेजेस भी परचेज कर सकते हैं जहाँ पे सेट ऑफ कोर्सेस डिस्काउंट में अवेलेबल हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने अजूर एनवायरमेंट के अंदर 3 वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट किए हैं। यह है आपका वर्चुअल नेटवर्क VNet 1, यह है आपका वर्चुअल नेटवर्क VNet 2 और यह है आपका वर्चुअल नेटवर्क VNet 3। लेट से आपका एक ऑन प्रमिसेस एनवायरमेंट है जिसके अंदर आपके सर्वर कनेक्टेड हैं। सिमिलरली इन वर्चुअल नेटवर्क के अंदर भी आपने कुछ वर्चुअल मशीन यहाँ पे डिप्लॉय की हुई है और आप ये चाहते हैं कि अगर यहाँ से कोई भी इन वर्चुअल मशीन को प्राइवेटली एक्सेस करना चाहे तो वो इन्हें प्राइवेटली एक्सेस कर सके। प्राइवेटली एक्सेस करने का मतलब यह है कि इन वर्चुअल मशीन के प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू इन्हें कनेक्ट करना। तो ऑन प्रमिसेस के अंदर से आप इन तीनों वर्चुअल नेटवर्क के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें प्राइवेटली यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे दो अप्रोच हो सकती हैं। पहली अप्रोच में आप हर एक वर्चुअल नेटवर्क के लिए एक VPN गेटवे यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। लेट से एक VPN गेटवे आपने VNet 1 के लिए क्रिएट किया, दूसरा VNet 2 के लिए क्रिएट किया और तीसरा VNet 3 के लिए क्रिएट किया। इन तीनों VPN गेटवे को आप तीनों वर्चुअल नेटवर्क के साथ यहाँ पे एसोसिएट करेंगे। उसके बाद आप अपने ऑन प्रमिसेस एनवायरनमेंट और वर्चुअल नेटवर्क के बीच में साइड टू साइड VPN कनेक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो लेट से ये आपका इंटरनेट है और इंटरनेट के थ्रू आप एक साइड टू साइड VPN कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं ऑन प्रमिसेस एनवायरनमेंट से इस VPN गेटवे के बीच में। तो जैसे ही ये साइड टू साइड VPN यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है तो उस केस में ये जो मशीन है आपके VNet 1 के अंदर जो वर्चुअल मशीन है उसे प्राइवेटली प्राइवेट आईपी एड्रेस पे एक्सेस कर सकती है। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपके रिमोट यूजर हैं, यानी वो यूजर जो घर से काम कर रहे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं, वो भी इस वर्चुअल नेटवर्क के रिसोर्सेज से प्राइवेटली कनेक्ट हो सके, तो उस केस में आप यहाँ पे इस VPN गेटवे की मदद से पॉइंट टू साइट VPN कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट टू साइट VPN कनेक्शन है। पॉइंट टू साइट VPN कनेक्शन के केस में आप एक पॉइंट को, यानी एक डिवाइस को आपके VPN गेटवे के थ्रू आपके वर्चुअल नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। साइड टू साइड VPN कनेक्शन के केस में आप अपने ऑन प्रमिसेस एनवायरमेंट के नेटवर्क को अपने वर्चुअल नेटवर्क के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको तीनों वर्चुअल नेटवर्क को प्राइवेटली एक्सेस करना है तो आपको इन तीनों VPN गेटवे के साथ या तो साइड टू साइड VPN या फिर पॉइंट टू साइड VPN यहाँ पे कन्फिगर करना पड़ेगा एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो इस पहली अप्रोच में ये पूरा का पूरा सेटअप बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके बजाय हम लोग ये चाहते हैं कि एक ही VPN गेटवे की मदद से तीनों के तीनों वर्चुअल नेटवर्क आपके ऑन प्रमिसेस एनवायरमेंट के साथ VPN कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट हो सके या फिर पॉइंट टू साइट VPN के थ्रू कनेक्ट हो सके। तो हमें केवल एक ही VPN गेटवे कॉन्फ़िगर करना है और एक ही VPN गेटवे के थ्रू हम इस सेम सेटअप को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में ट्रांजिट गेटवे पिक्चर में आता है। तो ट्रांजिट गेटवे क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे इसे कॉन्फ़िगर करते हैं, एक बार उसे देख लेते हैं। तो जब भी हम ट्रांजिट गेटवे की मदद से एक सिंगल VPN गेटवे को यूज करते हैं मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क के लिए, तो उस केस में हम लोग हब एंड स्पोक टोपोलॉजी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हब एंड स्पोक टोपोलॉजी क्या है, पिछले डायग्राम में हमने देखा था कि हमारे पास 3 वर्चुअल नेटवर्क हैं। तो हम लोग इन 3 वर्चुअल नेटवर्क में से एक वर्चुअल नेटवर्क को यहाँ पे एज ए हब डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 वर्चुअल नेटवर्क थे, उनमें से जो पहला वर्चुअल नेटवर्क था वो था VNet 1। लेट से हम लोग इसे यहाँ पे हब अज्यूम कर लेते हैं और बाकी के 2 वर्चुअल नेटवर्क VNet 2 एंड VNet 3 को हम लोग यहाँ पे एज ए स्पोक कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो ये है मेरा VNet 2 जिसे मैं मेंशन कर रहा हूँ स्पोक 1-VNet 2 और ये है मेरा VNet 3
जिसे मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ स्पोक टू हाइफन वीनेट थ्री। इन तीनों वर्चुअल नेटवर्क के लिए मैंने एक नेटवर्क रेंज भी स्पेसिफाई किया है। हब हाइफन वीनेट वन के केस में ये रेंज है 10.0.0.0/16 और इसके अंदर मैंने एक सबनेट क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है सबनेट वन और इस सबनेट की जो आईपी रेंज है वो है 10.0.1.0/24 और इस सबनेट के अंदर जाके मैंने एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय किया है जिसका नाम है वीए। सिमिलरली हमारे दूसरे वर्चुअल नेटवर्क जैसे हम यहाँ पे स्पोक वन हाइफन वीनेट टू बोल रहे हैं, यहाँ पे भी मैंने एक आईपी रेंज स्पेसिफाई किया है जिसका आईपी रेंज है 20.0.0/16 और इसके अंदर भी एक सबनेट क्रिएट किया है, सबनेट का नाम है सबनेट वन और जो आईपी रेंज मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है वह है 20.0.1.0/24 और स्पोक टू हाइफन वीनेट थ्री पे जो रेंज मैंने स्पेसिफाई किया है वह है 30.0.0.0/16। इसके अंदर भी एक सबनेट क्रिएट किया है, इस सबनेट का नाम है सबनेट वन और जो आईपी रेंज यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है वह है 30.0.1.0/24। इन दोनों सबनेट के अंदर जाके भी मैंने एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय की है। पहली वर्चुअल मशीन का नाम है VM1 और दूसरी वर्चुअल मशीन का नाम है VM2। तो जैसा कि मैंने हाईलाइट किया था, हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि एक सिंगल वीपीएन गेटवे की मदद से हम चाहते हैं कि जो तीनों के तीनों वर्चुअल नेटवर्क हैं वो हमारे साइट टू साइट वीपीएन कनेक्शन के थ्रू या फिर पॉइंट टू साइट वीपीएन कनेक्शन के थ्रू हमारे ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क या फिर रिमोट डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकें। अब इस हब एंड स्पोक टोपोलॉजी में हम यहाँ पे तीनों वर्चुअल नेटवर्क के लिए वीपीएन गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे बल्कि उसके बजाय हम केवल हब वर्चुअल नेटवर्क के लिए एक वीपीएन गेटवे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वीपीएन गेटवे कॉन्फ़िगर करूँगा जिसका नाम मैं मेंशन करूँगा वीपीएन गेटवे और इस वीपीएन गेटवे को मुझे इस हब वर्चुअल नेटवर्क के साथ अटैच करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इस नेटवर्क के अंदर एक गेटवे सबनेट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस गेटवे सबनेट के लिए भी हमें एक आईपी रेंज यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो लेट्स से वो आईपी रेंज है 10.0.2.0/24 और जब हम इस वीपीएन गेटवे को क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करते समय हम इस वीपीएन गेटवे को इस सबनेट के साथ एसोसिएट करेंगे ताकि इस गेटवे सबनेट की आईपी रेंज से एक आईपी एड्रेस जाके इस वीपीएन गेटवे पे असाइन हो जाए और ये वीपीएन गेटवे हमारे वर्चुअल नेटवर्क के साथ यहाँ पे एसोसिएट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इन वर्चुअल नेटवर्क को ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। अगर आप पोर्टल पे आएंगे कम टू वर्चुअल नेटवर्क्स तो यहाँ पे मैंने तीन वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट किए हैं। पहला है हब हाइफन वीनेट वन, दूसरा है स्पोक वन हाइफन वीनेट टू, तीसरा है स्पोक टू हाइफन वीनेट थ्री। अगर आप इन पर क्लिक करते हैं तो इनके एड्रेस स्पेसेस को भी चेक कर सकते हैं। 10.0.0.0/16 इसके अंदर मैंने एक सबनेट क्रिएट किया है सबनेट वन, एक और सबनेट यहाँ पे क्रिएटेड है इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। इसके अलावा ये मेरा दूसरा नेटवर्क है, इसका एड्रेस स्पेस अगर आप देखेंगे 20.0.0.0/16 और इसके अंदर एक सबनेट क्रिएट किया है जिसका रेंज है 20.0.1.0/24। सिमिलरली ये मेरा तीसरा वर्चुअल नेटवर्क है, इसका जो एड्रेस स्पेस है वह है 30.0.0.0/16 और इसके अंदर भी मैंने एक सबनेट क्रिएट किया है सबनेट वन और आईपी रेंज है 30.0.1.0/24। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे तीन वर्चुअल मशीन भी क्रिएट कर ली हैं। तो तीन वर्चुअल मशीन यहाँ पे लिस्टेड है। वीए वर्चुअल मशीन को मैंने डिप्लॉय किया हुआ है हब हाइपन वीनेट वन के अंदर, आप देख सकते हैं सबनेट क्रिएटेड है उसके अंदर डिप्लॉय किया हुआ है। वीएम वन को मैंने डिप्लॉय किया हुआ है स्पोक वन हाइफन वीनेट टू के अंदर और वीएम टू को जो डिप्लॉय किया हुआ है वो है आपका सबनेट वन और सबनेट वन है स्पोक टू हाइफन वीनेट थ्री के अंदर। तो जैसा हमने डायग्राम यहाँ पे क्रिएट किया है एज इट इज सारा का सारा सेटअप ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग फोकस करेंगे वीपीएन गेटवे के क्रिएशन पे। तो वीपीएन गेटवे को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे हब नेटवर्क के अंदर जाके एक गेटवे सबनेट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो वापस आइए पोर्टल पे, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए वर्चुअल नेटवर्क, गो टू हब हाइफन वीनेट वन और क्लिक ऑन सबनेट्स। तो यहाँ पे आपको गेटवे सबनेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है,
नेम है गेटवे सबनेट, और यहाँ पे जो मैं आईपी रेंज मेंशन कर रहा हूँ वो है 10.0.2.0/24 एज पर माई डायग्राम, देन क्लिक ऑन सेव। एक बार जब आपका गेटवे सबनेट क्रिएट हो जाता है उसके बाद आप डायरेक्टली जाके अपना वीपीएन गेटवे क्रिएट कर सकते हैं। सो वीपीएन गेटवे क्रिएट करने के लिए आप सर्च कीजिए वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, तो यहाँ पे एक सर्विस लिस्टेड है, क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। तो इस गेटवे का जो नाम मैं मेंशन कर रहा हूँ वह है वीपीएन गेटवे, इसे मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ सेंट्रल यूएस पे। गेटवे टाइप हम लोग सेलेक्ट करेंगे वीपीएन, वीपीएन टाइप मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ राउट बेस्ड, यहाँ से एसक्यू सेलेक्ट कर लेते हैं वीपीएन गेटवे 1। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप इस पर्टिकुलर वीपीएन गेटवे को किस वर्चुअल नेटवर्क के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। तो वर्चुअल नेटवर्क पे आने के बाद आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने हब वर्चुअल नेटवर्क को। जैसे ही आप हब को सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर जो गेटवे सबनेट आपने क्रिएट किया था ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट हो चुका है, और इसी पर्टिकुलर गेटवे सबनेट पे जाके ये वर्चुअल नेटवर्क एसोसिएट होगा। इसके बाद हमें इसे एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी देना है, क्योंकि गेटवे इंटरनेट के थ्रू ही कम्युनिकेट करता है, तो पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे देना मैंडेटरी है। तो मैं इसका नाम मेंशन कर लेता हूँ वीपीएन गेटवे -IP, और बाकी की सेटिंग्स को एज इट इज यहाँ पे रहने दीजिए, देन क्लिक ऑन रिव्यू एंड क्रिएट, देन क्लिक ऑन क्रिएट। तो इसके साथ ही वीपीएन गेटवे का डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ये करीब 40 मिनट लेता है, और 40 मिनट के बाद हम वापस अपने प्रैक्टिकल पे आके आगे की कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। तो वीपीएन गेटवे अभी सक्सेसफुली यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका वीपीएन गेटवे है हब -VNET1 के साथ यहाँ पे एसोसिएटेड है। वापस आ जाते हैं हमारे डायग्राम पे, तो वीपीएन गेटवे भी हमने यहाँ पे सक्सेसफुली डिप्लॉय कर लिया है। अब हम लोग ट्रांजिट गेटवे की मदद से इन दोनों वर्चुअल नेटवर्क को इस तरीके से कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं कि ये दोनों वर्चुअल नेटवर्क इस वीपीएन गेटवे को यूटिलाइज कर सकें। तो इसके लिए ट्रांजिट गेटवे यहाँ पे पिक्चर में आता है। ट्रांजिट गेटवे वीनेट पियरिंग की एक प्रॉपर्टी होती है, और वीनेट पियरिंग को कॉन्फ़िगर करते समय ही हम ट्रांजिट गेटवे को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हमें अपने हब और इस स्पोक 1 नेटवर्क के बीच में वीनेट पियरिंग करनी है, साथ ही साथ हमें हमारे हब और इस स्पोक 2 के साथ भी यहाँ पे वीनेट पियरिंग करनी है, और वीनेट पियरिंग को कॉन्फ़िगर करते समय ही हम ट्रांजिट गेटवे के ऑप्शन को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलते हैं हमारे हब नेटवर्क पे, कम हियर एंड क्लिक ऑन वर्चुअल नेटवर्क्स। तो हब नेटवर्क को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। वीनेट पियरिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए सेटिंग के अंदर आप आइए पियरिंग पे, क्लिक ऑन ऐड। तो सबसे पहले मैं पियरिंग कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ हब वीनेट और स्पोक 1 वीनेट के बीच में। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर लूँगा हब टू स्पोक 1, ट्रैफिक टू रिमोट वर्चुअल नेटवर्क को एज इट इज़ यहाँ पे रहने दीजिए अलाउ, ट्रैफिक फॉरवर्डेड को भी एज इट इज़ यहाँ पे रहने दीजिए अलाउ। अभी हमें फोकस करना है इस ऑप्शन पे जो कि है वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो अभी जब मैं इस वीनेट पियरिंग को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो पहले हम लोग इसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं हब टू स्पोक 1। तो जब भी मैं इसे हब टू स्पोक 1 की डायरेक्शन में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो ये पूछ रहा है कि आपका वीपीएन गेटवे कौन सा होगा। हमारा जो वीपीएन गेटवे है वो अभी हब -VNET1 के साथ यहाँ पे एसोसिएटेड है, इसलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा यूज दिस वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, यानी इस वर्चुअल नेटवर्क के साथ जो गेटवे अटैच्ड है। तो ये कौन सा वर्चुअल नेटवर्क है, ये वर्चुअल नेटवर्क है हब -VNET1। तो इस वर्चुअल नेटवर्क के साथ जो गेटवे अटैच्ड है मैं उसी गेटवे को यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, पियरिंग लिंक नेम। तो ये दोबारा से आपसे पियरिंग लिंक नेम पूछ रहा है, और इस बार हम लोग कन्फिगर कर रहे हैं स्पोक 1 से हब नेटवर्क की तरफ। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ स्पोक 1 टू हब। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है वर्चुअल नेटवर्क स्पोक 1 को, क्योंकि मैं अभी हब वर्चुअल नेटवर्क को स्पोक 1 वर्चुअल नेटवर्क के साथ यहाँ पे पियर कर रहा हूँ। बाकी की जो भी सेटिंग है इन्हें एज इट इज यहाँ पे रहने दीजिए, लेकिन जब आप वर्चुअल नेटवर्क के गेटवे पे आते हैं तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे डिसेबल्ड है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो अभी यहाँ पे इनेबल हो चुका है, यूज द रिमोट वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। तो इस ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है, अगर आप डायग्राम पे आएंगे, इस वर्चुअल नेटवर्क के लिए जो रिमोट वर्चुअल नेटवर्क है वो है हब वर्चुअल नेटवर्क, और इस हब वर्चुअल नेटवर्क के साथ जो वीपीएन गेटवे अटैच्ड है, तो
तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि उस गेटवे को यहाँ पे यूज करना है। तो इस ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, देन गो एड एंड क्लिक ऑन एड। इसके बाद हम लोग पेयरिंग करेंगे हब वर्चुअल नेटवर्क और स्पोक टू वर्चुअल नेटवर्क के बीच में। तो पहले इसका डायरेक्शन होगा हब टू स्पोक टू। तो वापस आइए अपने पोर्टल पे, यहाँ पे मैं हब वर्चुअल नेटवर्क के अंदर क्लिक कर लेता हूँ ऐड पे। नेम में मेंशन कर रहा हूँ हब हाइफन स्पोक टू। इन सेटिंग्स को यहाँ पे एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यूज दिस वर्चुअल नेटवर्क्स गेटवे। नीचे रिमोट वर्चुअल नेटवर्क सेटिंग के अंदर ये आपसे पियरिंग लिंक नेम पूछ रहा है। तो ये जो नेम है बेसिकली स्पोक टू से स्पोक वन के बीच में जो आप वीनेट पियरिंग क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम है। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है स्पोक टू टू हब। और जब आप इस दूसरे पियरिंग लिंक नेम को यहाँ पे मेंशन करते हैं तो सबसे पहले आपको वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इस केस में वर्चुअल नेटवर्क होगा स्पोक टू हाइफन वीनेट थ्री। और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है यूज द रिमोट वर्चुअल नेटवर्क्स गेटवे, देन क्लिक ऑन ऐड। तो लॉजिक सेम रहेगा जो हमने पहले डिस्कस किया था, सेम लॉजिक के हिसाब से हमने दूसरे वीनेट पियरिंग में भी सेटिंग्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। तो वीनेट पियरिंग हम लोगों ने सक्सेसफुली यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया। अब मैं ये वेरीफाई करना चाहता हूँ कि जब भी मैं रिमोट लोकेशन से इस वीपीएन गेटवे पे कनेक्ट होता हूँ तो क्या मैं इन तीनों के तीनों वर्चुअल नेटवर्कों को कनेक्ट कर पाता हूँ या नहीं। तो इसके लिए हम लोग एक पॉइंट टू साइट वीपीएन यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये है मेरा लैपटॉप जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। हमारा जो वीपीएन गेटवे है ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड है क्योंकि हमने यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट टू साइट वीपीएन कनेक्शन कॉन्फ़िगर करें ताकि मेरे लैपटॉप से मैं इस गेटवे से वीपीएन के थ्रू कनेक्ट हो सकूँ। तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं पॉइंट टू साइट वीपीएन ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि हमारा पूरा सेटअप एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं। इसके लिए आपको आना है अपने वीपीएन गेटवे के अंदर। सो सर्च फॉर वर्चुअल नेटवर्क के गेटवे, क्लिक ऑन वीपीएन गेटवेज। यहाँ पे सेटिंग के अंदर आपको पॉइंट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर नाउ। तो सबसे पहले मुझे एड्रेस पूल यहाँ पे देना है और इस एड्रेस पूल में से एक आईपी एड्रेस जाके मेरे लैपटॉप पे कॉन्फ़िगर होगा जब भी मैं पॉइंट टू साइट वीपीएन के थ्रू कनेक्ट होता हूँ। तो टनल टाइप मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एसएसएल। ऑथेंटिकेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ अज्योर सर्टिफिकेट। पॉइंट टू साइट वीपीएन क्या होता है, कैसे इसे कन्फिगर करते हैं और ये जो डिफरेंट सेटिंग्स हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं इनका क्या मतलब है, ये हमने पॉइंट टू साइट वीपीएन के टॉपिक में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसे कन्फिगर कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है अज्योर सर्टिफिकेट। अब मुझे दो सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, पहला है रूट सर्टिफिकेट और दूसरा है चाइल्ड सर्टिफिकेट ताकि मैं कनेक्शन को सक्सेसफुली इस्टेब्लिश कर सकूँ। इसके लिए आप आइए गूगल पे और यहाँ पे सर्च कीजिए अज्योर पॉइंट टू साइट वीपीएन रूट सर्टिफिकेट, हिट एंटर। जो पहला लिंक है इस पर आप क्लिक कीजिए, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जाएगा और यहाँ पे रूट सर्टिफिकेट क्रिएट करने के लिए एक स्क्रिप्ट दी हुई है। आप इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और अपने लैपटॉप पे पावर शेल को ओपन कर लीजिए। पेस्ट योर स्क्रिप्ट एंड हिट एंटर। तो जैसे ही आप स्क्रिप्ट को यहाँ पे पेस्ट करके हिट करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सर्टिफिकेट को देखने के लिए आप टाइप कीजिए सर्ट mgr.msc, हिट एंटर। इसके बाद आप पर्सनल फोल्डर को एक्सपेंड कीजिए, देन क्लिक ऑन सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमें एक चाइल्ड सर्टिफिकेट भी क्रिएट करना है जो इस रूट सर्टिफिकेट को मेरे लैपटॉप पे रिप्रेजेंट करे। इसके लिए आप इसे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे चाइल्ड सर्टिफिकेट क्रिएट करने के लिए भी स्क्रिप्ट मेंशन है, इसे आप कॉपी कर लीजिए। वापस आइए अपने पावर शेल पे, पेस्ट इट, हिट एंटर। और इसी के साथ आपका चाइल्ड सर्टिफिकेट भी क्रिएट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे आके इसे एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों के दोनों सर्टिफिकेट यहाँ पे लिस्टेड हैं। इसके बाद इन सर्टिफिकेट को मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग रूट सर्टिफिकेट को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। सो राइट क्लिक ऑन इट, ऑल टास्क, क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए Base64, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब मैं अपने लैपटॉप का एक फोल्डर यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ,
जहाँ पे मैं इस सर्टिफिकेट को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो एक सर्टिफिकेट मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया है, पहले इसे डिलीट कर लेते हैं। एक नया सर्टिफिकेट मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है अजूर, इसकी एक्सटेंशन होगी .cer। सो क्लिक ऑन सेव, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश, क्लिक ऑन ओके। साथ ही साथ हम चाइल्ड सर्टिफिकेट को भी यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन ऑल टास्क, क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो मैं इसे एज ए प्राइवेट की एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ ताकि मैं इस पर पासवर्ड कन्फिगर कर सकूँ। क्लिक ऑन नेक्स्ट, यहाँ पे आप पासवर्ड को टिक कर लीजिए और एक पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। ये जो चाइल्ड सर्टिफिकेट है इसे क्लाइंट अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करेगा। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन ब्राउज, और इस सर्टिफिकेट का नाम मैं मेंशन कर रहा हूँ चाइल्ड, चाइल्ड सर्टिफिकेट, और जो इसकी एक्सटेंशन है वह है .pfx। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट फिनिश। तो दोनों के दोनों सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं और साथ ही साथ इन्हें हमने एक्सपोर्ट कर लिया है। तो इन दोनों सर्टिफिकेट को मैंने अपने लैपटॉप पे एक्सपोर्ट किया था। यह है हमारा चाइल्ड सर्टिफिकेट .pfx और यह है हमारा रूट सर्टिफिकेट जिसका नाम है अजूर .cer। अगर आप वापस पोर्टल पे आएंगे, क्लिक ऑन वीपीएन गेटवे, तो यहाँ पे ये आपसे रूट सर्टिफिकेट का नाम पूछ रहा है। तो रूट सर्टिफिकेट का नाम हमने मेंशन किया है अजूर। उसके बाद पब्लिक सर्टिफिकेट डेटा को हमें यहाँ पे मेंशन करना है। आप आइए अपने लैपटॉप पे जहाँ पे आपने अपने सर्टिफिकेट को एक्सपोर्ट किया है, राइट क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन ओपन विथ नोटपैड। तो ये डेटा है, इसे आप कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक ऑन इट, और वापस पोर्टल पे आइए और यहाँ पे इस डेटा को पेस्ट कर लीजिए, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन सेव। जैसे ही ये सेव हो जाएगा यहाँ पे डाउनलोड वीपीएन क्लाइंट का ऑप्शन इनेबल होता है, तो ये थोड़ा समय लेता है। मीनवाइल मैं अपने लैपटॉप पे चाइल्ड सर्टिफिकेट को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो अगर आप इस डायग्राम की मदद से समझें तो अभी मैं अपने लैपटॉप से पॉइंट टू साइट वीपीएन कनेक्शन की मदद से इस वीपीएन गेटवे को कनेक्ट करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने लैपटॉप से इन सारी की सारी वर्चुअल मशीन को पिंग कर सकूँ इनके प्राइवेट आईपी एड्रेस पे। तो ये मेरा लैपटॉप है और इस लैपटॉप पे मुझे चाइल्ड सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करना है जिसे अभी अभी मैंने एक्सपोर्ट किया, और जो हमारा रूट सर्टिफिकेट था उसे हमने वीपीएन गेटवे के अंदर डिप्लॉय किया हुआ है। तो इन सर्टिफिकेट की मदद से ऑथेंटिकेशन यहाँ पे हो रहा है, यानी जब भी मेरा लैपटॉप इस वीपीएन गेटवे पे कनेक्ट होगा तो मेरा जो चाइल्ड सर्टिफिकेट है उसे ये रूट सर्टिफिकेट यहाँ पे ऑथेंटिकेट करेगा, तभी जाके ये कनेक्शन यहाँ पे इस्टेब्लिश हो पाता है। और जब हमने इस वीपीएन गेटवे के अंदर पॉइंट टू साइट वीपीएन कनेक्शन को कन्फिगर किया था तो हमने एक पूल आईपी एड्रेस भी मैंशन किया था जो कि था 192.168.1.0/24। जैसे ही कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है तो इस पूल में से एक आईपी एड्रेस मेरे लैपटॉप पे भी आके असाइन हो जाएगा। लेट्स अज्यूम कि ये आईपी एड्रेस है 192.168.1.2, तो ये कोई भी आईपी एड्रेस हो सकता है, मैं जस्ट अज्यूम यहाँ पे कर रहा हूँ। तो हमें अब अपने चाइल्ड सर्टिफिकेट को इस लैपटॉप पे जाके डिप्लॉय करना है। तो ये है हमारा चाइल्ड सर्टिफिकेट, राइट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल पीएफएक्स, क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे ये आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, सेम पासवर्ड जिसे हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश इट। यू आर अबाउट टू इंस्टॉल अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ सर्टिफिकेशन अथॉरिटी क्लेमिंग टू रिप्रेजेंट P2S रूट सर्टिफिकेट। तो ये जो चाइल्ड सर्टिफिकेट है हमारे रूट सर्टिफिकेट का रिप्रेजेंटेटिव है हमारे लैपटॉप पे। सो जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन यस, और इसी के साथ हमने कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं अपने लैपटॉप से इस वीपीएन गेटवे को कनेक्ट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ पॉइंट टू साइट वीपीएन गेटवे। बट कनेक्ट करने के लिए मुझे एक क्लाइंट एप्लीकेशन की ज़रूरत है, और इस क्लाइंट एप्लीकेशन को मैं इस वीपीएन गेटवे के थ्रू ही यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ। इसके लिए आप आइए अपने पोर्टल पे। अभी जो सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे मेंशन किया था वो सेव हो चुका है। सेव होते ही आप देखोगे डाउनलोड वीपीएन क्लाइंट ऑप्शन यहाँ पे इनेबल्ड हो चुका है, क्लिक ऑन इट। जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये कुछ सेकंड का यहाँ पे पॉज लेगा। पॉज होने के बाद यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड होती है, तो एक जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोड हुई है। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ कीप, क्लिक ऑन शो इन फोल्डर। यहाँ पे आप देखेंगे एक फाइल डाउनलोड हुई है जिप फॉर्म में, इसे आप राइट क्लिक कीजिए, देन क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट,
तो ये हमारा एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो मल्टीपल इंस्टॉलर यहाँ पे दिए हुए हैं। बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग इंस्टॉलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है, तो ये इंस्टॉलर है। राइट क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, क्लिक ऑन येस। डू यू विश टू इंस्टॉल अ वीपीएन क्लाइंट फॉर हब हाइफन वीनेट वन, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए येस पे। और इसी के साथ हमने वीपीएन क्लाइंट को भी सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद आप आइए अपने नेटवर्क इंटरफेस पे, राइट क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, क्लिक ऑन वीपीएन। यहाँ पे आप देखेंगे हब हाइफन वीनेट वन नाम से कनेक्शन क्रिएट हुआ है, सो क्लिक ऑन कनेक्ट। तो जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। और कनेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो चुका है, आप स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टेड। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा लैपटॉप है वो लैपटॉप इस वीपीएन गेटवे से कनेक्टेड है। और जो लॉजिक हम लोगों ने डिस्कस किया, अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं अब अपने लैपटॉप से इन तीनों वर्चुअल मशीन में से किसी भी वर्चुअल मशीन को प्राइवेट आईपी एड्रेस पे पिंग करूं तो मैं यहाँ पे सक्सेसफुली पिंग कर पाऊंगा। तो एक बार इनके प्राइवेट आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम पिंग करके इसे टेस्ट करेंगे। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस चेक करने के लिए मैं वन बाय वन इन वर्चुअल मशीन को चेक कर लेता हूँ। सो VA वर्चुअल मशीन का जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो है 10.0.1.4। VM1 वर्चुअल मशीन का जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो है 20.0.1.4। VM2 का जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो है 30.0.1.5। तो अगर मैं अपने लैपटॉप पे आके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूं, सो टाइप पिंग, सबसे पहले हम VA को यहाँ पे पिंग करेंगे 10.0.1.4। तो अभी आप देख सकते हैं पिंग यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके बाद मैं पिंग करूँगा 20.0.1.4 को, हिट एंटर, तो यहाँ पे भी पिंग सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। इसके बाद मैं पिंग कर रहा हूँ थर्ड वर्चुअल मशीन को जो कि है 30.0.1.5, हिट एंटर, और यहाँ पे भी मैं सक्सेसफुली अपनी वर्चुअल मशीन को पिंग कर पा रहा हूँ। तो इस पूरे के पूरे डायग्राम को हम लोगों ने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके देखा। इस वीडियो में हमने दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। पहला है हब एंड स्पोक टॉपोलॉजी। हब एंड स्पोक टॉपोलॉजी क्या है और इफेक्टिवली हम इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने वीनेट पेयरिंग के ट्रांजिट गेटवे के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे डिस्कस किया। अगर हम इस वर्चुअल नेटवर्क की बात करें तो इस वर्चुअल नेटवर्क के लिए ये एक ट्रांजिट गेटवे है, और अगर हम इन वर्चुअल नेटवर्क के लिए बात करें तो इन वर्चुअल नेटवर्क के लिए ये जो वीपीएन गेटवे है एक रिमोट गेटवे है। तो ये डिफरेंस होता है ट्रांजिट गेटवे और रिमोट गेटवे के बीच में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।